नहीं था कि हम जैसे जम्बा चौगान पहुंचेंगे और यहाँ पे पहले से ही हिमाचल की सेलिब्रेशन चल रही होगी। फाइनली यहाँ पे पैलेस कर रहे हैं, जिसमें आटा गूंदने वाली बरात भी होती है उसमें पैलेस कर रहे हैं। सो हेलो पीपल, आ चुका है तुम्हारा भाई एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज काफ़ी दिनों बाद तुम्हारा भाई जा रहा है व्लॉगिंग के लिए। सो गाइस, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था व्लॉगिंग पे जाऊंगा बट टाइम लग नहीं रहा था, तो फाइनली आज टाइम लगा। तो आज मेरे साथ मेरा फ्रेंड हर्षित है। हेलो। तो आज फिलहाल अभी हम दो ही हैं, एक और फ्रेंड को बोला था पर उसको थोड़ा काम था और बाकी मैंने सोचा ज़्यादा लोग हैं नहीं आज, तो उनको कुछ ये हैं घर अपने और कुछ ऐसे ही बिजी हैं। तो आज हम दो जा रहे हैं, अभी जाएंगे सबसे पहले चौगान, फिर चौगान से आगे एक दो मंदिर है, वहाँ देखते हैं कौन से हट जाते हैं। चलो फिर आगे मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम बस के वेट में बैठे हुए थे, यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक बस नहीं है। भाई क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोलने यार, इतनी देर हो गई है बस की वेट करते करते, और ऊपर से यार ये धूप लगी हुई है ना इतनी देर से। अगर अपनी स्कूटी लेके आया तो वो सच बताया नहीं मैंने यार, इस बार मैं अपनी स्कूटी छोड़ गया हूँ घर पर, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे ना भाई हम स्कूटी व्लॉग देखना पसंद नहीं, तो ठीक है तुम्हारा भाई इस बार घर पर छोड़ के आया स्कूटी। देखते हैं कभी लाइफ में उस पर बनता, अगर दोबारा मूड करा या फिर तुम लोगों ने स्पॉट करा बोला तो भाई लेके आओ दोबारा, तो लेके आएंगे। बट यार अभी तो बस आ जाए फिलहाल, वही बड़ा है रोड, देख रहे हो पूरा रोड खाली और कितनी धूप है, कितनी गर्मी लग रही है यार, बस जल्दी से बस आ जाए। फाइनली गाइस, बस मिलने के बाद हम आ चुके हैं चंबा चौगान, थोड़ा फ़ोन खिंचल गया आज से, लगता है यहाँ पे कुछ फंक्शन है। और फाइनली काफ़ी टाइम बाद ही अभी ये चंबा चौगान का ग्राउंड खुला है, तो अभी हम ग्राउंड के अंदर है। भाई कौन आया पता कुछ? श्री जयराम ठाकुर यहाँ पे आए हैं। तो हमारे CM आए हैं HP के, यहाँ पे साइड बैक साइड फंक्शन चला है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है फिलहाल। मैं सोचा था मंदिर जाएंगे पर मंदिर में थोड़ी देर बाद चलते हैं, पहले देखते आगे चल के ना, देखिए आगे जाके कमांडो वगैरह भी काफ़ी और फंक्शन हो रहा है कुछ, चलो उसी क्लिप दिखाते तुम्हें। सो यहाँ पे कुछ फंक्शन सा लगा है, कुछ यहाँ पे अपनी गद्दी लैंग्वेज में बता रहे हैं। गद्दी राम राम कल्चर है ये, चाचा जी राम राम, क्या से नहीं राम कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने। चाची जी तो हां क्या बनानी कह दी, काफी लोग तो है नहीं इस टाइम, मतलब हल्का हल्का रश है, ऐसा क्या हुई है? दिन में धूप भी तो शायद थोड़ा कम है, खर्चा ज्यादा हो गया इस महीने। ओहो खर्चे ने जो गाने की याद आई है चाचा जी, बोला आज मैं बैंक आ गया, वो तू बाबू हो रहा बोलिया कि तुम्हारी इन्हें चाचिया की पेंशन आई हो। अच्छा आई है 4500 तुम्हारा, कहना 4500 ही चाचिया का। जो यहाँ फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे CM आए थे, क्योंकि आज गाइज हमारे यहाँ का HP का 75th डे है, जो हमारे HP है उसको 75th डे हो चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन किया गया था हमारे CM के द्वारा। और यहाँ पे ये सब वगैरह, यहाँ पे पोस्टर लगा जिसमें लिखा है 75th हिमाचल डे, और यहाँ पे पीछे पूरा चौगान खोले, नहीं तो चौगान काफ़ी टाइम से बंद था,
और यहाँ फंक्शन हुआ था, जितने भी जो फ्लॉक डांस वगैरह और जितने भी अलग सेलिब्रेशन वगैरह जो डांस थे, हम थोड़े आने में लेट हो चुके थे। तो आज की वीडियो शायद मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हमने जाना तो उसके लिए हम अलग ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमने सोचा था जो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी थी हमने, बट पता नहीं था कि हम जैसे ही जम्बा चौगान पहुँचेंगे और यहाँ पे पहले से हिमाचल देगी सेलिब्रेशन चल रही होगी। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। बाकी हाँ, शायद इस वीडियो में कुछ खास बता नहीं पाया, तो अगली वीडियो में इससे कुछ बढ़िया होगा। बाकी गाइज, मैं अपनी न्यू वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पीछे देख रहे हो, पीछे राजा का महल है और यहाँ पे फंक्शन था, वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सो ये वीडियो थी 75th हिमाचल डे।